हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी फ्रेंड ज्योति, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटल वर्ल्ड एंड ब्यूटी टच। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू मेकअप लुक लेकर आ गई हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानसून आ गया है, तो मैं आपके लिए मानसून मेकअप लुक लेकर आई हूं कि आप मानसून में किस तरह बारिश में मेकअप कर सकते हैं और आपका मेकअप भी बिल्कुल ख़राब ना हो, और आप किस तरह से मेकअप करें कि आपका मेकअप अच्छा दिखे। तो सनस्क्रीन लगा ली थी मैंने फेस पर, और मॉइस्चराइज़र वगैरह सभी कुछ अप्लाई कर चुकी थी, और उसके बाद मैं सीरम अप्लाई करी हूँ स्विच ब्यूटी का, विथ प्राइमर है ये। तो इसको पूरे फेस पे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी, थोड़े सी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको आपको अप्लाई करना है, और अच्छे से इसको मसाजिंग फॉर्म में आपको लगा लेना है फेस पर, और अच्छे से ड्राई हो जाने देना है। तो बस इसी तरह से आपको इसको अच्छे से हल्के हाथों से पूरे फेस पर लगा लेना है और उसको ड्राई हो जाने देना है। देन इसके बाद मैं कलर कैरेक्टर का यूज़ कर रही हूँ, तो ऑरेंज कलर का कलर कैरेक्टर लिया है मैंने, जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट वगैरह हैं आँखों के नीचे और पिगमेंटेशन है वहाँ पर। और कंसीलर का यूज़ भी मैं इसी के साथ में कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगाना है, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है मेरा, वहाँ वहाँ मैंने उसको लगा लिया। और फिर फिंगर की हेल्प से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, मैं ब्लेंडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, बट मैंने फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया था और अच्छे से ब्लेंड हो गया था ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा। तो बस इसको इसी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया था, और उसके बाद मैं लैक्मे का 925 का फाउंडेशन ले रही हूँ। तो ये फाउंडेशन ब्रश इसका इस टाइप का रहता है, तो ये थोड़ा सा इसका गिरने का डर रहता है, तो आपको ना इसको थोड़ा सा संभाल कर पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है इसको। तो बस मैं इसको अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि ये गिर ना जाए इसलिए मैं थोड़ा कम कम लेके अप्लाई करी थी, क्योंकि इससे जल्दी से गिर जाता और फिर सारी ड्रेस ख़राब हो जाती है। तो बस मैंने इसको लगा लिया है, और उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर ले रही हूँ मिलाओ का, और पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर लूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हमारा मेकअप बिल्कुल भी ख़राब ना हो इसलिए। और उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से आपसे ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो बस पूरे फेस पे इसको आपको ब्लेंड कर लेना है, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और नेक पे, ईयर्स पे, आपको सभी जगह इसको लगा कर ब्लेंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से। उसके बाद मैंने मिलाओ का लूज पाउडर लिया है अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए, तो बस इसे अच्छे से सेट कर लूँगी, सभी जगह अप्लाई कर लूँगी, और पूरे फेस पे मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। अगर लूज़ पाउडर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर आपके फेस में लग जाता है तो कोई बात नहीं फ्रेंड, जब तक आपका पूरा मेकअप होता है ना तब तक ये अच्छे से सेट हो जाता है, और लास्ट में आप इसे ब्रश की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके फेस पे है वो आप हटा सकते हो। और उसके बाद मैं आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ आईब्रो फिल करने के लिए, अगर आप चाहें तो पैलेट से भी फिल कर सकते हैं, बट मुझे पैलेट से फिल करने में कंफर्टेबल नहीं लगता है इसलिए मैं पेंसिल का यूज़ करती हूँ, और ये आसानी से हो जाता है मेरे हिसाब से। उसके बाद मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जिसमें मैं ये पिंक कलर ले रही हूँ, लाइट पिंक कलर, जो कि अपनी क्रीज लाइन पर मैं अप्लाई करूँगी। तो आपको कोई भी एक फ्लफी ब्रश ले लेना है जिससे कि आपको क्रीज लाइन पर इसको अप्लाई कर लेना है, और आसानी से ये अप्लाई हो जाता है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लिया, ये हाइलाइटर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे आई शेडो में यूज़ कर रही हूँ। तो ये कॉपर कलर का है हल्का सा, एक्चुअली फ्रेंड्स क्या मैंने पहले ये कॉपर कलर का आई शेडो लगाया है, बट ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था, पर जो मुझे चाहिए था कलर ना वो मुझे कलर ना इसमें मिल ही नहीं पा रहा था, बट मैंने कहा कि पहले मैं इसको दोनों आईज़ पर अप्लाई करके देख लेती हूँ कि किस तरह से ये लगने वाला है।
तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, पर मुझे ना संतुष्टि नहीं हो रही थी कि ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही नीला कलर लेकर फिर पूरी आइस पर अच्छे से डिपॉजिट किया है एक फ्लफी ब्रश से। और क्या कहते हैं, पहले आपको प्रोडक्ट को डिपॉजिट कर लेना है, उसके बाद इसको ब्लेंड करना है, तो ये अच्छे से आपकी आइस पर लग जाता है। तो बस इसी तरह से मैंने ये नीले कलर का जो आई शेडो है दोनों आईज पे फिर से लगाया है, क्योंकि मुझे ना वो वाला आई शेडो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वैसे भी मानसून में सभी को डार्क कलर पसंद आते हैं, डार्क कलर अच्छे भी लगते हैं क्योंकि मानसून सीज़न में। तो बस आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपका आई शेडो लगेगा। तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने वो कॉपर वाला शेड लगा लिया था, तो इस पर बहुत ज़्यादा शाइनिंग शाइनिंग भी दिख रही है, अच्छा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा। मतलब अलग से आपको कोई शिमर प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छे से ब्लाइंड हो गया है फ्रेंड्स, और इसका कलर बस थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको इसमें, क्योंकि कैमरे में ही उतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, रियल में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही, तो आईलाइनर को भी आपको छोटे छोटे स्ट्रोक में लगा लेना है, ये वाटरप्रूफ है क्योंकि बारिश के सीज़न में हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सारे वाटरप्रूफ होने चाहिए, अगर हम बारिश में भीग जाते तब भी हमारा मेकअप बिल्कुल भी नहीं बिगड़े। तो बस आपको इसको दोनों आईज पर अप्लाई कर लेना है, और नीचे मैंने काजल का यूज़ किया है मिलाओ का ही, और उसके बाद मैं फेस की कंटूरिंग कर लूँगी। इनसेट कॉस्मेटिक स्टिक है, उसको मैंने फिंगर की हेल्प से लगाया है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लग जाता है, तो फिर उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो बस आपको अच्छे से इसको ब्रश की हेल्प से या ब्लेंडर की हेल्प से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं, चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, पर वो फिनिशिंग नहीं आती इसलिए हम ब्रश की हेल्प से करेंगे। और अगर आपको लगता है ब्लेंडर से आपको ज़्यादा अच्छे से हो जाता है तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेट कॉस्मेटिक का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो बस इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटिंग पॉइंट पर, और उसको भी मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये ब्रश ना जो इसमें किट में आया था ना, काफ़ी बड़ा है ना, तो उतना मुझे कम्फर्टेबल लगता नहीं है, मुझे और एक ब्रश लेनी है पर मैं भी नहीं ले पा रही हूँ। तो बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने, और उसके बाद मैं लिप लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको ब्राउन कलर का लिप लाइनर ले लेना है कंटूरिंग करने के लिए, जिससे कि आपका लिपस्टिक का जो कलर है वो भी खिलकर आता है और ये अच्छे से लग जाता है। उसके बाद मैं रेड कलर का, जो बिल्कुल रेड कलर होता है खुला हुआ वाला कलर ले रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है जब ये ड्राई हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा कलर है ये। तो बस इसको आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना, और आप जो भी कलर लगाना पसंद करते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि रेड कलर ज़्यादा ब्लू कलर पर सूट करता है, इसलिए मैंने रेड कलर का यूज़ किया है। उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। तो आप कहेंगे कि दो दो बार किया है, दो दो बार इसलिए किया है क्योंकि बारिश के सीज़न में हमारा मेकअप बिल्कुल भी ना बिगड़े, इसलिए मैंने दो बार यूज़ किया है। और उसके बाद ये मेरा फाइनल लुक है फ्रेंड्स। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा मेकअप लुक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेकअप लुक आपको कैसा लगा। और बहुत ईजी तरीके से मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि आप मानसून में किस तरह से रेडी हो सकते हैं और आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये मेरी ड्रेस आपको कैसी लग रही है, मैंने खुद से स्ट्रेच की है, तो कैसी लगी आपको मेरी ड्रेस ये भी बताइएगा, और मेरा मेकअप लुक आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर मेकअप वीडियो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए मेकअप का वीडियो बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सुरक्षित रहिए। इतनी देर तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।